नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फिल्म जुग जुग जियो की। एक सक्सेस पार्टी आयोजित की गई है। अब इस बात से मैं इसलिए चौंक जाता हूँ क्योंकि जुग जुग जियो फिल्म क्या बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी? मेरे हिसाब से नहीं, बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई थी। तो फिर इसकी बार बार सक्सेस पार्टी क्यों आयोजित की जा रही है? मतलब कि मैं आपको बता दूं कि जुग जुग जियो राज मेहता ने डायरेक्ट किया है, करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है। और दोस्तों फिल्म का बजट था 85 करोड़ रुपीज प्लस 20 करोड़ रुपीज, मतलब पी एंड ए कॉस्ट इसका 20 करोड़ रुपीज था और फिल्म का बजट था 85 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 105 करोड़ रुपए के बजट में ये फिल्म बनी थी। और फिल्म का जो इंडिया नेट कलेक्शन आया वो आया था 84.96 करोड़ रुपीज इंडिया नेट लाइफ टाइम कलेक्शन। तो फिर आप बताइए कि फिल्म कैसे हिट हो गई? करीब 19 करोड़ रुपए का फिल्म में लॉस हुआ है। फिल्म को 19 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस हुआ भी फिल्म हिट कैसे हो गई? हालांकि वर्ल्ड वाइड इसका ग्रॉस कलेक्शन करीब 135 करोड़ रुपीज रहा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के आधार पर किसी फिल्म को हम हिट नहीं कह सकते। हिट होने के लिए फिल्म को जो उसका बजट है वो उस बजट को इंडिया नेट कलेक्शन के आधार पर पार करना होता है, जो कि जुग जुग जियो नहीं कर पाई। अगर 85 करोड़ भी इसका बजट माना जाता है पी एंड ए कॉस्ट को हम छोड़ दे, तो भी फिल्म 85 करोड़ रुपए के आसपास ही पहुंच पाई है, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाई। तो फिर किस आधार पर आप जुग जुग जियो को एक हिट फिल्म कह रहे हैं और इसकी सक्सेस पार्टी आयोजित कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों करण जौहर ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें जुग जुग जियो की सारी स्टार कास्ट नजर आ रही है और वे जुग जुग जियो की सक्सेस का आनंद ले रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको उस तस्वीर में अनिल कपूर, नीतू कपूर, वरुण धवन, कियारा आडवाणी, मनीष पॉल सभी दिखाई देते हैं और वे सब मतलब एक इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जुग जुग जियो जैसे कि बहुत बड़ी हिट हो गई हो, जबकि हकीकत ये नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि इससे पहले फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को भी इसी तरीके से हिट करा दिया गया था, जबकि दोस्तों उस फिल्म का बजट 180 करोड़ रुपये था। 180 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म अपना जो लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन वो करीब 127 करोड़ रुपीज ही कर पाई थी, लेकिन उस फिल्म को भी सफल घोषित कर दिया गया था, हिट घोषित कर दिया गया था और उसकी भी सक्सेस पार्टी आयोजित की गई थी। तो इस प्रकार से गुमराह करने से कोई मतलब फायदा होने वाला नहीं है। इस साल बॉलीवुड में केवल दो ही फिल्में अभी तक हिट साबित हुई है, जिसमें एक द कश्मीर फाइल्स है, जिसको मैं एक्चुअली बॉलीवुड की फिल्म मानता ही नहीं क्योंकि उसमें बॉलीवुड की कोई भी बड़ी स्टारकास्ट शामिल नहीं थी। दूसरी फिल्म है भूल भुलैया 2। ये दो ही फिल्में इस वर्ष की है जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है। इसके अलावा जितने भी बॉलीवुड की फिल्में अभी तक रिलीज हुई है वो सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से मतलब आप सोशल मीडिया पर से मतलब शेयर करोगे कि हमारी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई है, आप फिल्म का वर्डिक्ट आने से पहले, जबकि जुग जुग जियो का तो फाइनल वर्डिक्ट आने से पहले ही फिल्म की स्टारकास्ट ने मतलब सोशल मीडिया पर ही मतलब ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया था कि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई है और फिल्म के कलेक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ नहीं है। दोस्तों मेरे को आपको अपने चैनल पे ये एक पक्की जानकारी देनी थी कि क्या न्यूज आ रही है, किस प्रकार से मतलब एक फ्लॉप फिल्म को भी हिट घोषित किया जा रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।